हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब ठीक होंगे इस कोविड के टाइम पे। और अब चूंकि लॉकडाउन खुल चुका है और माहौल थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो हम भी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, या ये वीडियो जो आप अभी देखेंगे, दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद एनी इंटरव्यू, दिस इज़ रिलेटेड विद द मॉडिफिकेशन जो हम अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो 2015 S10 मॉडल में करा रहे हैं। इसमें जो हमारी कोशिश ये थी कि हम इसमें ऐसी चीज़ें डालने की कोशिश करें जो किसी ने नहीं की। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम चूँकि जगह लिमिटेड है, तो हम उसको कैसे उसमें एडजस्ट करेंगे। तो वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट माई महिंद्रा स्कॉर्पियो इंटू अ कैंपर वैन। तो उसको हम कैसे कैंपर वैन में कन्वर्ट कर पाएंगे ये हमें नहीं पता, बट हम कोशिश ज़रूर करेंगे इसके लिए पूरी। और जो भी हम उसके साथ कोशिश करेंगे वो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ भी शेयर करें। तो इस वीडियो में हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने किस तरीके से इस चीज़ को ट्राई किया और कैसे हम इसको पॉसिबल कर पाए कि नहीं कर पाए, हमें भी नहीं पता। ये एक आइडिया है, और क्योंकि हमने कई वीडियोस देखे हैं कैंपर वैन के जिसपे उन्होंने अपनी एसयूवीज को कन्वर्ट किया है एज ए कैंपर वैन, तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से अपनी इस गाड़ी को जो कि 7 सीटर है, 2015 मॉडल और करीबन 2200 सीसी का इंजन है इसका, 17 इंच का व्हील बेस है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं पिछले तकरीबन 6 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, 2015 से, और अभी तक मुझे अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको एज ए कैंपर वैन में कन्वर्ट करूँ और फिर मैं वो कंप्लीट वीडियो आपके साथ डिटेल में शेयर करूँ कि कैसे हमने इसको किया है। अभी जो हमने एक छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है जिसपे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वो डिटेल आपको दिखाएं। जो साइज हमारे पास है वो है करीबन 4 फिट 4 इंच से 6 इंच के बीच में, और जो डेप्थ हमारे पास है वो है करीबन 28 इंच लास्ट वाली सीट से, क्योंकि मैं अपनी सीट में लास्ट वाली सीट नहीं लगाता हूँ अपनी कार में, सिर्फ 4 सीटर में उसको मैंने कन्वर्ट कर रखा है। तो मेरी कोशिश ये है कि वो इस तरीके से बने कि मैं 4 सीटर में यूज़ कर सकूँ एज अ कम्प्लीट स्मॉल किचन, एज वेल एज अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसको बेड में भी कन्वर्ट कर सकें। तो वो मेरी कोशिश है। प्लस मेरी कोशिश ये भी है कि हमें पानी की भी दिक्कत ना हो, पानी भी हमें सफिशेंट मिल सके वहाँ पे, अगर हम कुकिंग करते हैं या छोटे मोटे काम के लिए। और एक प्रॉपर सेटअप जिसमें हमारे पास कुकिंग का पूरा इक्विपमेंट हो, गैस हो, किचन की सप्लाईज हो, और इमरजेंसी में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूटिलाइज कर सकें, तो वो एक कोशिश हम करना चाह रहे हैं। और ऑलरेडी आज से हमारी उस गाड़ी में ये काम शुरू हो गया है। कुछ हद तक हम उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने हिसाब से, साइज़ के हिसाब से वो कर सके। तो हम कुछ लोगों से हेल्प भी ले रहे हैं यहाँ पे, जिनके थ्रू हम इसको बनवा रहे हैं। एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं आदिल, उनके साथ उनका अपना फर्नीचर का शोरूम है, तो उनके पास पूरा सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हेल्प के थ्रू हम इस चीज़ को बना सकें और बना करके दिखा सकें। डायमेंशन ये आपको मेरे साइड में दिख रहा होगा, ये डायमेंशन हमने लिए हैं उसके लिए कि हम इसको टेंटेटिवली किस हिसाब से बना सकते हैं। ये मैंने खुद से अपने से मेजरमेंट करके इसको बनाया हुआ है, और उम्मीद है कि ये परफेक्ट बैठेगा। मेरी कोशिश ये है कि कम से कम 3 से 4 ड्रॉर हों हमारे पास जो पूरी खुल सकें, जिसमें सामान आ सके, सारी चीज़ें किचन से रिलेटेड आ सके, पानी की सप्लाई हो सके, गैस उसके अंदर आ सके। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको एडजस्ट कर सकें और कैंपर वैन की तरह उसको यूज़ कर सकें। मुझे नहीं पता कितना पॉसिबल होगा, बट मैं उसके वीडियोस अभी मैं करने जा रहा हूँ, अब मैं जो कंप्लीट कर रहा हूँ उस काम को, लेट्स सी कि कितना मैं इस पर पॉसिबल हमारे लिए हो पाएगा, हमें नहीं पता।
तो अगर आपका कोई कमेंट होता है, आपका कोई सजेशन होता है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हो सकता है आपके सजेशन से शायद मैं उसको और अच्छे तरीके से बना सकूं। तो कंटिन्यू हमारे साथ करिए इस ब्लॉग में, ताकि आपका सजेशन हमें मिल सके और हम आपको दिखा सके कि हमारी क्या कोशिश है और हम इसको कैसे करना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसको आपको दिखाते हैं कि हमने इसको किस तरीके से करने की कोशिश की है। ये वीडियो मैं अपने घर के छत पे शूट कर रहा हूँ और जो प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं वो हम साथ साथ में आपको दिखाते जाएंगे। ये लॉकडाउन के टाइम पे हमने, चूँकि हम भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे और हम लोग सब लोग घर पे थे, प्लस लॉकडाउन था, पर्पज़ ये है कि हम, चूँकि लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो हमने घर के छत को पूरा हरा भरा कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने इस छत को पूरा नॉर्मल प्लेन छत से पूरा ग्रीन कर दिया है चारों तरफ से, और साथ साथ में शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस जो हम अपनी स्कॉर्पियो में कर रहे हैं या चेंजेस कर रहे हैं या DIY कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को और देखते हैं इस मॉडिफिकेशन को जो हमने छत पे किया है और जो हम अपनी गाड़ी में कर रहे हैं, महिंद्रा स्कॉर्पियो 2015 S10 वेरिएंट। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि मेरी गाड़ी 7-सीटर है और मैं उसमें इस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाय चांस अगर कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसमें एक बेड बना सकें, क्योंकि नॉर्मली मेरे साथ एक जन कोई ना कोई होता ही है जिसके साथ मैं नॉर्मली ट्रैवल करता हूँ और बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी कहीं पहुँच जाएँ। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं होटल नहीं मिलता या कहीं हम फंस जाते हैं, तो इस बार ये कोशिश ये है, क्योंकि हमने ये सोचा हुआ था 2019 से कि हम इसमें ऐसा कुछ करेंगे, बट नहीं पता था कि हम कैसे कर पाएंगे या कैसे नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये हम कर रहे हैं कि इसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि जब हमें ज़रूरत हो तो हम एज अ बेड वहाँ पे एडजस्ट कर सकें और जब ज़रूरत ना हो तो हम वो बेड हटा सकें और जगह भी हमारे पास वेस्ट ना हो। तो जो हमारे पास, अगर हम ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट को एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास वहाँ से लेकर के जो हमारा बैक डोर है, जो डिक्की का डोर है, वहाँ तक हमारे पास 6 फुट 3 इंच की जगह मिलती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा किचन का सेटअप होगा वो हमारा सेंटर में आ जाए डिक्की के स्पेस में, और वहाँ से लेकर के टॉप तक हम एक हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए टेम्प्रेरी बेड के पर्पज से, हम इमरजेंसी में यूज़ करने के पर्पज से। सेकेंड, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो किचन की सप्लाई है वो हम ड्रॉर्स में रखें, ताकि सामान इधर उधर ना जाए बल्कि ड्रॉर के अंदर रहे। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि उसमें इजी फॉर्म में रहे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है तो ये परेशानी होती है कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, फिर हम उससे इरिटेट होने लगते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हम उस चीज़ को बनाएं और उससे परेशान हों, बट ये हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए यूज़फुल हो सके। तो अभी जैसा मैंने आपको दिखाया वीडियो में कि हमने बॉक्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है, जो बॉक्स का डायमेंशन है वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया, जो साइज़ है वो है टोटल, अगर हम दोनों बॉक्स मिला लेते हैं, मेरे ख्याल से प्लेन की आवाज़ है, फ्लाइट शुरू हो गई है लॉकडाउन के बाद, तो
काफी फ्रीक्वेंट हो गया है। सो जो बॉक्स का साइज है वो है जो हम बनवा रहे हैं वो है करीबन 42 इंच। सारा हल्ला आ चुका है, 42 इंच जो बॉक्स की लंबाई है। जो बॉक्स की चौड़ाई है जिसमें ड्रॉर जाएगी वो है करीबन 22 इंच, और जो बॉक्स की हाइट है वो बेस से करीबन 15 इंच ऊंची है। तो 1 फीट से ज़्यादा जगह हमें मिल रही है सामान रखने के लिए, और करीबन 2 फीट के आसपास जगह मिल रही है हमें एक बॉक्स में सामान को फैलाने के लिए। तो पूरी किचन की सप्लाई और बाकी सारी चीज़ें उसमें ईजिली आ सकती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा ये पेंटिंग चल रही है पूरे बॉक्सेस की, यहाँ से रिपेयरिंग शुरू हुई, रिपेयरिंग के बाद ये बॉक्स की सेटअप बना, बॉक्स सेटअप बनाने के बाद ये पेंटिंग का काम हो रहा है, पेंटिंग कंप्लीट हो गई। पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको एडजस्ट करके चेक करने जा रहे हैं। अभी ये सिर्फ चेकिंग पे चल रहा है, लेट्स सी कितना पॉसिबल होता है चेकिंग के बाद, और उसके बाद जो जगह बचेगी उसमें हम कितना कुछ एडजस्ट कर सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे कि वो हम एडजस्ट करके आपको उस हिसाब से नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पूरी डिटेल के साथ विथ डायमेंशन एंड विथ कंप्लीट फिटिंग सामान रखने के बाद कैसा उसका लुक आता है और कैसा उसका परफॉर्मेंस है वो आपके साथ शेयर करें। तो हमने अभी इसको टेंटेटिवली बनाया है, जैसा आपको दिख रहा है कि ये हमने टेंटेटिवली बनाया हुआ है, बट सॉरी वो एसी की आवाज़ है जो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। तो हमने इसको भी टेंटेटिवली बनाया हुआ है क्योंकि हमारे पास स्पेस है, अभी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरा काम जो है ये जुगाड़ वाला है, अगर उसको दूसरे लैंग्वेज में बोले तो पूरा DIY है कि हमने रॉड्स जो हम टेंट लगाएंगे वो किस तरीके से लगाएंगे और सामान हम किस तरीके से रखेंगे, किस तरीके से इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ये कई वीडियो का मिक्सचर है जो हम अपनी गाड़ी में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी, और जो भी इसका परफॉर्मेंस है हमारी कोशिश ये है कि इसका परफॉर्मेंस और इसका लुक आप सबको पसंद आए और हमारे लिए वो यूज़फुल हो ताकि हम उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें और हमारे लिए वो एक सरदर्द ना बने, बट हम अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो उम्मीद है आपको हमारा ये DIY प्रोजेक्ट पसंद आएगा हमारी स्कॉर्पियो के साथ में, और हम आने वाले लंबे समय तक इस DIY को, इस प्रोजेक्ट को और अपडेट करते रहेंगे। तो अपने कमेंट ज़रूर देते रहिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड अपने अपडेट ज़रूर दें, हो सकता है आपके अपडेट से हमारे जो ये DIY है इसमें कुछ हेल्प मिल सके और हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आपके सपोर्ट के लिए, आपके इंकरेजमेंट के लिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हमने अभी तक ये नहीं देखा कि किसी ने महिंद्रा स्कॉर्पियो लेटेस्ट मॉडल में इस तरीके का कोई अपडेशन किया हो। कुछ लोगों ने ज़रूर ट्राई किया है, कुछ लोगों ने, मैंने कुछ कुछ वीडियोस देखे भी हैं और उन वीडियो से काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है। तो मैंने कई वीडियो देख करके उसके हिसाब से इस चीज़ को अपने लिए अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सारी डिटेल दे पाएंगे। तब तक अगर आपके जो भी कमेंट होते हैं प्लीज़ गिव योर कमेंट फॉर न्यू थिंग कि हम उसमें और क्या एड ऑन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर इनकरेजमेंट। थैंक यू।